However, he may be earlier removed. It shall be appointed for a maximum period of 3 years. However, he may be earlier removed from office or he may otherwise cease to hold office. Retiring chief executive can be reappointed. Janab, ये के उसको जनाब अपना ऑफिस जो है 3 साल का उसको जो दिया गया है उससे पहले भी फारिग किया जा सकता है और ही में अदरवाइज सीज टू होल्ड ऑफिस. अदरवाइज सीज टू होल्ड ऑफिस का मतलब ये होता है कि हो सकता है जनाब वो कोई बीमारी या फौतगी की सूरत में जनाब वो दफ्तर जनता है वो उसका बंद हो जाए, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज नो मोर देयर. रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिपॉइंटेड, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जनाब कोई जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव को फारिग किया गया है या जिसकी टर्म 3 साल की पूरी हो गई है उसको दोबारा भी चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अपॉइंट किया जा सकता है. चीफ एग्जीक्यूटिव के दोबारा अपॉइंट होने के बाद से कोई इतराज नहीं है. अगली बात तो जनाब लिखी गई है, रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज सर्विसेज अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड बट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ही शैल नॉट सो होल्ड द ऑफिस. और ये भी कल हमने जो दो बातें जो थी ये कल कर ली थी. एज डिस्कस्ड अबव बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ही शैल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड शैल एंजॉय एंड बी लायबल टू ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर. Hence, if a person is ineligible to become a director of a company, he shall also be ineligible to become the chief executive of the company as well. ये भी बच्चों हमने कल बात कर ली थी. Removal of chief executive, ये जरा बात अब समझ लीजिए. Chief executive can be removed through any of the following modes at any point of time, regardless of any provisions in the articles or in his appointment to the contrary. By passing a special resolution in general meeting of the company. Or by passing a resolution of board of directors with their at least 3/4 of the majority of the directors. देखें जी, यहाँ तो जनाब अच्छी तरह से जनरल मीटिंग में बेस करा के जनाब डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाला जाएगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनसे ना वो खुद से फैसला करेंगे कि हमने जनाब इसको निकालना है. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 3/4 मेजोरिटी है जो कि रिक्वायर्ड है. और स्पेशल रेजोल्यूशन मैं फिर पूछना चाहूंगा बार बार आपसे जनाब, ये पहले भी कई दफा पूछा गया है. स्पेशल रेजोल्यूशन बच्चों बताइए जरा कितने परसेंट मेजोरिटी वोट से जनाब ये मंजूर होती है. स्पेशल रेजोल्यूशन कितने परसेंट मेजोरिटी वोट से जनाब जी, बिल्कुल वो भी 3/4 की है. यहाँ पर भी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जनाब एटलीस्ट 4th मेजोरिटी जो लिखी हुई है, ये भी कल आपको याद होगा मैंने दुरुस्त करवाया था कि ये भी 4th नहीं बल्कि 3/4 ही है. तो जनाब स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो जनरल मीटिंग की वो 3/4 मेजोरिटी 75% वोट से मंजूर होती है. तो उसमें जनाब इसको इस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है. नीचे इलस्ट्रेशन बच्चों में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी Limited appointed its chief executive for a term of 3 years, and it was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of the term of his office. But the directors are not satisfied with the performance of the chief executive and want to remove him. Can they remove the chief executive in presence of such clause in the contract which do not allow his early termination? The answer is yes. Directors may pass a resolution by their 3/4 majority and remove the chief executive. Otherwise, they may decide to pass a special resolution by calling an extraordinary general meeting of the members of the company. ये दोनों तरीके हैं जनाब. एक जनाब सख्त लंबा तरीका और दूसरा जनाब सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपने कंट्रोल में तरीकेकार. जी ये लंबा तरीकेकार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करके जनाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने का जो हो सकता है वो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि अगर जनाब को चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा पॉपुलर है और जी ये जनाब कल को डॉक्टर्स को जनसना वो इसको निकाल कर जवाब दे होना पड़ सकता है जनाब मेंबर्स के सामने. तो मेंबर्स फिर ऐसे जनाब हर दिल अजीज किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव को खुद से जनाब 3/4 मेजोरिटी के साथ में निकालने की कोशिश नहीं करते. वो कहते हैं जनाब इसको जो था ना वो हम निकालते हैं तो जनाब वो स्पेशल रेजोल्यूशन से
मेजोरिटी वोट ऑफ दी मेंबर से निकालते हैं, ताकि जनाब कल को हमारे ऊपर कोई नाम ना आए कि हमने जनाब को जानेदारी दिखाई। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड कंप्यूटिंग बिजनेस, ये अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव हिज स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू एंगेज इन ए बिजनेस व्हिच कंपीट्स विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन व्हिच ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और विद द बिजनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो जी बिल्कुल जनाब, कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद या स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन उनसे ना कर रहे हो और वही काम उनसे ना कंपनी का भी हो। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। आपको याद है बच्चों, आपने इसी तरह की बात पार्टनरशिप में भी पढ़ी थी, याद है आपको? पार्टनरशिप मैंने आपको पढ़ा दिया है ना बच्चों, पार्टनरशिप में कोई ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इस तरह की थी, कुछ याद है आपको बच्चों? कैन यू टाइप दैट ड्यूटी जो इससे रिलेट करती है, क्या थी वो ड्यूटी, कोई बता सकता है? एक पार्टनर की कोई इसी तरह की जैसे यहां पर बात लिखी हुई है, कोई जिम्मेदारी थी जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ी थी, प्लीज टाइप दैट ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर, वो क्या थी? ड्यूटी नॉट टू टेक पार्ट इन कंप्यूटिंग बिजनेस। जी बिल्कुल यही पॉइंट था कि एक पार्टनर की ड्यूटी है नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि वो फर्म के बिजनेस के साथ में कम्पीट नहीं कर सकता। यहाँ पर भी चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से यही बात की गई है, लेकिन यहाँ ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होकर बात की गई है और ये कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव खुद या उसका स्पाउस, उसकी स्पाउस या उसके माइनर चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये माइनर चिल्ड्रन जनाब, ये हाउ कैन दे बी एंगेज इन ए बिजनेस, माइनर चिल्ड्रन बिजनेस कैसे कर सकते हैं? जी माइनर चिल्ड्रन जनाब वो बेनिफिशियली किसी एक बिजनेस में इंटरेस्ट अपना रख सकते हैं। माइनर चिल्ड्रन दे कैन बी एंटर्ड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, याद है आपको? माइनर चिल्ड्रन के नाम पर कोई प्रॉपर्टी या कोई नाम के ऊपर कोई ऐसा जनाब बिजनेस वेंचर जो कि गार्डियन जनाब उसको मेंटेन करके रखते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो जी जो भी कोई अगर जनाब एक चीफ एग्जीक्यूटिव के माइनर चिल्ड्रन के नाम का बिजनेस है, तो उसमें भी जनाब जो बेनिफिट वो बोलता है चीफ एग्जीक्यूटिव, देखें जी ये तो माइनर बच्चों के बात है जो उनको फायदा पहुंचता है, जनाब मैं तो किसी भी तरह से इसमें हिस्सेदार नहीं हूँ। जी पैसे तो आपके घर भी जाते हैं ना, तो पैसे तो आपके बच्चों के हैं ना, तो उनकी कफालत भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से ये आपका जाती इंटरेस्ट बन जाता है, जी आप नहीं इस तरह की जनाब बिजनेस को लेकर चल सकते। तो जी ये बिजनेस बंद करना पड़ता है इस तरह से जो कि कंपनी के बिजनेस के साथ में कम्पीट कर रहा हो। इलस्ट्रेशन, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी कम्पीटिंग बिजनेस इफ इट इज ऑफ द सेम नेचर एंड इज इन द सेम मार्केट, this has nothing to do with the volume of the business. The business bada ho ya chota ho isse iska koi taluk nahi hai. This has nothing to do with the volume of business. Business ke bade chote hone ke baad se iska koi taluk nahi hai. The test is basically of the fairness of the person with the object of the business. Ke jo shakhs bhi janab ye transaction kar raha hai wo usme फेयर इनफ है, वो जनाब उसमें एक जानबदारी नहीं रखता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि नजर आनी चाहिए। जानबदारी होगी तो बदतमीजी कहलाएगी, जानबदारी नहीं होनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द कंपनी डिटेल्स ऑफ एवरी सच बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम फोर्थ विद एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद कोई इस तरह का बिजनेस उनका था वो चलाया जा रहा था या इस तरह की जनाब वो कार्रवाई हो रही थी जो कंपीटिंग विद द बिजनेस ऑफ द फर्म है, तो उसका पूरा हिसाब किताब जनाब देने का पाबंद था। बच्चों इस सेंटेंस से रिलेटेड पार्टनरशिप में भी कोई जनाब एक बात लिखी हुई है, मैं आपसे बच्चों ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको रिलेट करके पार्टनरशिप के हवाले से क्या बता सकते हैं कि पार्टनरशिप में भी इस तरह की जो हमने चीज पढ़ी थी वो क्या थी? जी बच्चों चीजों को रिलेट करके याद रखना बच्चों बड़ा आसान हो जाता है।
ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये यूं समझ लीजिए कि आपके लिए जनरली जिंदगी में ये टिप काम आएगी। जब भी आपने बच्चों को कोई चीजें याद रखनी हो, जब भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिले और आपको लगता हो कि वो भूल जाएंगे आप, तो आप बच्चों उस इंफॉर्मेशन को जनाब जो ऑलरेडी आप चीजें जानते हो उसके साथ में कनेक्ट करके याद रखना। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने किसी का नंबर याद रखना हो तो ऑलरेडी जो नंबर आपको याद है, कोई घर के नंबर, कोई और दूसरे तीसरे नंबर, तो उन नंबर्स के हवाले से आप जो नए इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर जो आपको मिली है उसको अगर रिलेट करके कि जनाब इसमें 2 7 आते हैं, इसमें 5 आता है, इसमें जनाब ये, इस तरह से आप करके अगर याद रखते हैं तो आपको वो ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं। यहाँ पर भी जो मैं आपसे जनाब ये पूछते हुए ये पढ़ाते हुए आपको जो पार्टनरशिप का पूछ रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि पार्टनरशिप में ऑलरेडी ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं वही यहाँ पर रिपीट अगर हो रही हुई नजर आएंगी आपको, रिलेट करके इसको याद रखेंगे तो पार्टनरशिप वाली बात की भी दोहराई हो जाएगी और इस बात को भी आप आसानी से याद रख सकोगे। कल को आपको ये दोनों चीजें इकट्ठी जब याद आएंगी, पेयरिंग हो चुकी होगी आपके दिमाग में, तो वो हमेशा सारी जिंदगी के लिए आपके काम आएगी। बताइए बच्चों, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस आपके सामने है, बुक आपके पास है, बेशक पार्टनरशिप का जनाब चैप्टर निकाल लीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए मेरे लिए कि ये जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड कोई पार्टनरशिप के हवाले से बात जो आपने पढ़ी हुई थी वो क्या थी? कोई ड्यूटी, कोई राइट के बात से ही बात बनती है, वो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें बताएं बच्चों। जी बच्चों, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और सवाल के जवाब का मुंतजिर हूं जी। बताइए बच्चों, जी अल्लाह ला करके कोई एक जवाब जनाब आ ही गया के, और वो ये है कि जनाब एक पार्टनर की जिम्मेदारी है टू अकाउंट टू गिव ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, और इससे एक और रिलेटेड बात थी कि एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी लॉस व्हिच ही हैज कॉज्ड टू द फर्म ड्यू टू हिज कंपीटिंग बिजनेस।
ये हमने बात बच्चों पार्टनरशिप में पढ़ी हुई है, जो कि यहाँ पर जनाब लिखने की जरूरत थी, जो कि इस सवाल का जवाब था मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अब बच्चों आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बच्चों कंपनी के सेक्रेटरी के मुतालिक है। कंपनी के सेक्रेटरी, कंपनी की सेक्रेटरी, जैसे भी आप इसको कह लें, तो जनाब उसके लिए ये स्लाइड के ऊपर बच्चों मैं आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ सबसे पहले, फिर बाद में आपकी बुक में से बच्चों मैं आपके लिए कंटेंट्स पढ़ दूंगा। पहले जनाब स्लाइड के ऊपर इसको देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के क्या काम है और कंपनी सेक्रेटरी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये हम बच्चों बात करने जा रहे हैं। एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट ए कंपनी सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट कंपनी। द पर्सन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। इन ए लिस्टेड कंपनी हाउएवर द सेक्रेटरी मस्ट बी क्वालिफाइड बाय वर्च्यू ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जी प्राइवेट कंपनी में कोई भी जनाब ग्रेजुएट जो है वो बी कॉमर वगैरह, उसको भी जनाब आप रख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन लिस्टेड कंपनी का काम जो सा होता है ना बच्चों वो ज्यादा ज्यादा टेक्निकल और लंबा होता है। उसमें ज्यादा आपको एक एक्सपर्टीज जो सी है वो रिक्वायर्ड होती है, और लिस्टेड कंपनियां जिनसे खास तौर के ऊपर इसमें हजारों लाखों लोगों के पैसे जिनसे हैं वो लगे होते हैं, इसलिए उसमें जनाब रिस्क लेवल ज्यादा होता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर किसी भी जनाब ये लो क्वालिफाइड पर्सन, लो क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को नहीं अपॉइंट किया जाता। तो उसके लिए कौन चाहिए? क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए, या जनाब ए मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड चार्टर्ड सेक्रेटरीज। ये भी एक जनाब चार्टर्ड सेक्रेटरीज वगैरह के लिए जनाब उसमें जो कोई उसके मेंबर्स उनसे होते हैं उनको जनाब आप रख सकते हैं। एंड MBA, MCOM और LLB फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज विद 2 years एक्सपीरियंस, ये 2 साल का तजर्बा जिनसा जिसका हो उसको जनाब एज सेक्रेटरी रहने का तजर्बा हो, या उसको कंपनीज के एतबार से काम करने का तजर्बा हो, तो उसको लिस्टेड कंपनी में जनाब वो अपॉइंट किया जा सकता है। द एक्चुअल ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आर सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एज सच वेरी। सम ऑफ द कॉमन ड्यूटीज अंडरटेकन बाय सेक्रेटरीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ स्टेचुटरी रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स कॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये बात आपकी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको बताने के लिए कि एक सेक्रेटरी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कोई अपना आपका जहन जो है वो भी जैसे भी हो, लेकिन सेक्रेटरी काम जो उनसे हैं जो उनसे हैं वो यही करती हैं जो यहाँ पर लिखी गई है। Ensure all annual returns to the registrar submitted on time. जो भी कोई अगर returns वगैरह file करनी है जनाब जो required है under Companies Ordinance 1984 में, वो तमाम returns उनसे हैं, ये company secretary की जिम्मेदारी है कि वो जनाब file करेंगे या करेंगी। Organize and attend board and general meetings. कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग्स उनसे हैं ये अटेंड करते हैं करती हैं, या एंश्योर स्टेचुटरी कंप्लायंस। ये स्टेचुटरी कंप्लायंस से क्या मतलब कि कोई भी कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो भी रिक्वायर्ड है काम करना वो रिक्वायर्ड काम जो सा है वो कंपनी सेक्रेटरी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं कर रही हैं, तो जनाब उसमें वो कोई भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की वॉयलेशन उनकी है वो ना हो। कंपनी सेक्रेटरी हैज द पावर टू बाइंड द कंपनी इन ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाया एक्चुअल एम्प्लॉयड अथॉरिटी। कंपनी सेक्रेटरी जो है इनके जिम्मे अक्सर जनाब कोई मीटिंग्स वगैरह के लिए अरेंजमेंट्स करना भी शामिल होता है, तो अगर इनको कोई इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए
तो उस तरह के काम में ये कंपनी को उस काम के लिए जो पेमेंट या जो इस तरह से लाइबिलिटी है उसके लिए जना वो जरूर जना बाउंड कर देती हैं, जिसको के उनके लिए मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब बच्चों यहां तक तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जो मैंने आपको बता दिया वो, अब हम इसको कंपैरिजन में देखने जा रहे हैं कि आपके बुक में इसको कैसे लिखा हुआ है। तो जी हेयर कम्स द बुक एंड हेयर कम द कंटेंट्स। जनाब कंपनी सेक्रेटरी, द ऑर्डिनेंस रिक्वायर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए होल टाइम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। ही शैल बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड मेकिंग श्योर दैट कंपनी कंप्लायंस विद ऑल रेलेवेंट कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। ये देखिए यहाँ पर लिस्टेड कंपनी का जिक्र है कि जनाब ये लिस्टेड कंपनी में किन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। ए मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर ऑफ आईकैप और ए मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट चार्टर्ड सेक्रेटरीज और ए पर्सन होल्डिंग ए मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स और बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन एंड हैविंग एटलीस्ट 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो है जो स्ट्रेस है वो किसके ऊपर है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। रेलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब कि एज सेक्रेटरी जनाब उनके पास जनाब वो काम करने का तजर्बा हो, या एज सेक्रेटरी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उस हवाले से कोई तजर्बा हो। फर्दर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर सिंगल मेंबर कंपनीज। Such person should be at least a graduate from a university recognized by Higher Education Commission। ये बच्चों बस उसकी अपॉइंटमेंट से मुतलिक छोटा सा पैराग्राफ, उसकी क्वालिफिकेशन से मुतलिक छोटा सा पैराग्राफ, जो इतना ही आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जहाँ पेपर में आपसे सवाल आ सकता है कंपनी सेक्रेटरी से मुतलिक। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो मैं पहले यहाँ से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और इसको पढ़ने के बाद फिर आपको स्लाइड के ऊपर से हाईलाइट करूंगा। ये बात आपने बड़े गौर से समझनी है। यहां पर शेयर रजिस्ट्रार का जिक्र होने जा रहा है बच्चों। शेयर रजिस्ट्रार ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि अगर आप अच्छी तरह नहीं समझते तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रार के बारे में जानते हो। ये रजिस्ट्रार जो होता है वो सीआरओ। व्हाट डज सीआरओ स्टैंड्स फॉर? रजिस्ट्रार जो है सीआरओ में होता है। व्हाट डज सीआरओ स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज CRO stands for? ये मेरा सवाल है बच्चों। जी बच्चों anyone can anyone answer it? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? What does CRO stands for? जी दोस्तों क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू ऑल हियर मी? जी प्लीज सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट डज सी आर ओ स्टैंड फॉर? सी आर ओ का क्या मतलब होता है?
जी दोस्तों, क्या आप उठे हुए हैं? जी कोई जवाब नहीं आ रहा। सब लोग नजर तो आ रहे हैं, काफी लोग जो जनाब यहाँ पर मौजूद हैं। CRO, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। नहीं, ये नहीं इसका मतलब। CRO मीन्स कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कंपनी जो CRO हैं, ये पूरे पाकिस्तान में जनाब है मौजूद, और मेन जो बड़े बड़े शहरों हैं उसमें है। ये CRO का जो जिक्र है बच्चों, ये मैं आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर ये बात मुझसे हुई है। ये प्लीज आप पढ़ नहीं रहे हैं, उससे मुझे जो समय थोड़ा एक अजीब सी फीलिंग है कि यार ये कैसे आप जहाँ चीजों को लेकर चल रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस का जो तजर्बा है, शुरू शुरू में जो एक्साइटमेंट थी आपकी, वो लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ती जा रही है। ये देखिए चैप्टर नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ये CRO ये लिखा हुआ है आपके बुक में, जहां का SECP का जिक्र है, नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इससे पीछे आ जाएगा, पिछले चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 19 में। पहला चैप्टर जनाब मैं निकाल रहा हूं आपके लिए। रजिस्ट्रार फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए। ये है जी CRO का मतलब। फिक्स इन ए टैक्स, सर इन टैक्स, इट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। नहीं बेटा, ये आप देखिए, मैंने आपके सामने ये देखिए चैप्टर नंबर 19 में बच्चों, ये है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो ना बच्चे, आप इस वक्त टैक्स नहीं पढ़ रहे हो। तो CRO मीन्स कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, और ये कहाँ कहाँ पर है ये नोट कर लीजिए कि एक है फेडरल कैपिटल में, और चार हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स में, और थ्री हैं जो कि मेजर सिटीज में है, और वो कौन से हैं? मुल्तान, फैसलाबाद और सखर। तो टोटल कितने बन जाते हैं? टोटल कितने हो गए बच्चों? इतनी अकाउंटिंग आती है ना आपको, बताइए जरा। तीन हो गए दूसरे शहरों में मेजर सिटीज में, चार हो गए फेडरल कैपिटल्स में प्रोविंशियल कैपिटल्स में, और एक हो गया फेडरल कैपिटल में। हाँ जी, आठ हो गए। ये टोटल इनकी तादाद आठ है। पूरे पाकिस्तान में आठ जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, पूरे पाकिस्तान में आठ कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, और CRO जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस को बोलते हैं। और कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक साहब हैं, उनको हम रजिस्ट्रार बोलते हैं, और वो जो रजिस्ट्रार हैं, ये वो शख्स हैं जो कि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों जब आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, वो जनाब है कंपनी रजिस्ट्रार के बारे में। लेकिन ये कंपनी रजिस्ट्रार वो वाला कंपनी रजिस्ट्रार नहीं है बच्चों, जो CRO में होता है। ये बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाह रहा था,
और चाह रहा था कि आप जनाब इसमें थोड़ा तवज्जो से मेरी बात सुने। हमने बच्चों यहाँ पर आखिरी ये पैराग्राफ है जिसके बारे में मैंने अब आपको बताना है, और इस आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, शेयर रजिस्ट्रार इज नॉट कंपनी रजिस्ट्रार। ये बच्चों आप ध्यान में रखिए, शेयर रजिस्ट्रार इज नॉट कंपनी रजिस्ट्रार। शेयर रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्ट्रार नहीं होता। शेयर रजिस्ट्रार जो होता है ये एक अलहदा से चीज है, कोई और वक्री चीज है। और ये जरा गौर से सुनिए, यहां पर आपको बताया गया है कि ये कौन होते हैं। लिस्टेड कंपनीज आर फर्दर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार टू हैंडल द ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ऑल अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी एज एन इश्यूअर टूवर्ड शेयर होल्डर। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज ऑल एप्लीकेशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर डायरेक्टेड टू द शेयर रजिस्ट्रार इंस्टेड ऑफ कंपनी। द नेम ऑफ द शेयर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज मेंशन इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स एज वेल। कमीशन प्रोवाइड्स लाइसेंसेस टू पर्सन फॉर वर्किंग एज शेयर रजिस्ट्रार एंड द प्री रिक्विजिट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द कमीशन टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर प्रोवाइडिंग शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज। ये बच्चों आपको मैं अब एक नया एक जो है वो एक इदारा, एक नया जनाब एक वर्किंग स्टाइल जो है वो बताने जा रहा हूँ। देखें जी, आप ये जानते हो कि जनाब अगर कोई एक काम जनाब करने के लिए आपके पास वसाइल जो से हैं वो ना हो तो आप उस काम को आउटसोर्स कर देते हो। एक कंपनी जो सी है उसने अपने जनाब शेयर की ट्रांसफर, शेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जनाब एक शेयर रजिस्ट्रार है जिसकी खिदमात जनाब ली होती है। और ये कंपनी कौन सी? ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है जनाब, बताइए जरा। मैं चलें जरा थोड़ा सा ये भी चेक कर लूं कि आपको किस हद तक जनाब पता चल रहा है कंपनी लॉ का जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं जनाब, कोई बता सकता है? दे आई वॉन्ट एन आंसर, मुझे जवाब चाहिए। लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं? डज एनीवन नो अबाउट लिस्टेड कंपनीज? लिस्टेड कंपनियां जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं, जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं उन कंपनियों को हम लिस्टेड कंपनियां बोलते हैं। अब जनाब इन कंपनियों के लिए एक शेयर रजिस्ट्रार जनाब का भी इदारा होता है जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट कंपनी वो काम करता है। इन लिस्टेड कंपनियों के लिए शेयर रजिस्ट्रार एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी जनाब, ये कोई सरकारी इदारा नहीं है, ये प्राइवेट कोई भी एक कंपनी हो सकती है, दूसरी कोई कंपनी हो सकती है, जिनके पास कोई नेटवर्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई आईटी कंपनी हो सकती है, जिनके पास ऐसा सेटअप है जो कि अपने पास वो रिकॉर्ड शिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। और वो रिकॉर्ड किस चीज का मेंटेन करके रखते हैं? और वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है उसमें ओनर ऑफ द शेयर कौन है। रोजाना जनाब शेयर उनसे ना बिक जाते हैं स्टॉक मार्केट में, और कई लोग खरीद लेते हैं जो जनाब एक दिन पहले मालिक था शेयर का, वो अगले दिन मालिक नहीं है। इतनी तेजी से तो शेयर का कारोबार होता है लेन देन का, तो उसमें बकायदा से पूरा विजिलेंटली नजर रखने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है ये शेयर जो से हैं वो जनाब जो खरीद रहा है उसका नाम जो सा ना रिकॉर्ड में कंपनी के लिए दर्ज हो। और ये रिकॉर्ड जो मेंटेन करने वाली आईटी कंपनी है इसको हम शेयर रजिस्ट्रार बोलते हैं। मैं बच्चों आपको शेयर रजिस्ट्रार दिखाना चाहता हूं।
शेयर रजिस्ट्रार को दिखाने के लिए बच्चों मैं आपको जनाब एक जो है अभी एक स्लाइड जिनसे वो दिखाता हूँ। उस स्लाइड शो में बच्चों मैंने बकायदा से कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि शेयर रजिस्ट्रार क्या होता है एंड फॉर दैट मैटर हाउ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट वर्क। बच्चों ये जनाब देखिए एक नई मैं आपको जनाब ये स्लाइड शो दिखाने जा रहा हूं और ये इसमें मैंने आपको जो हाईलाइट करना है एक तो शेयर रजिस्ट्रार को हाईलाइट करना है और खास तौर पे बताना चाह रहा हूं कि हाउ स्टॉक ट्रांजैक्शन रियली वर्क्स। जरा गौर से सुनिए अपने बात। सीन ये है कि एक आदमी है एक्स, ये जनाब इसके पास जनाब ये सीडीसी का अकाउंट है, ये जो इसके मैंने यहाँ पे बनाया ना बॉक्स, इसके जनाब ये सीडीसी अकाउंट है और सीडीसी अकाउंट में इसके पास तीन शेयर्स हैं, एक ब्लू कलर के शेयर हैं, एक इसके पास ग्रीन कलर के शेयर्स हैं और एक इसके पास ये ऑरेंज कलर के शेयर्स हैं। ये तीन कलर्स के इसके पास शेयर्स हैं और ये इसका सीडीसी का अकाउंट है। अब इन शेयर्स के हवाले से जो एक लेयर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है वो जनाब यहाँ पर सीडीसी के प्रोफाइल के बाद से, सीडीसी आप जानते हैं क्या चीज होती है। हम ये सीडीसी ये जो एक्स है ये क्या कर अब ये जो एक्स का नाम है ये आप यूं समझ लीजिए कि शेयर रजिस्ट्रार ऑफ बीओपी जो है उसके रिकॉर्ड में ये एक्स का नाम दर्ज है जी, ब्लू कलर के शेयर उतना फर्ज कर लीजिए जो इसके सीडीसी के अकाउंट के बाद से जनाब यहाँ पर ये कलर ब्लू जो ना ये एग जो नजर आ रहा है इसके हवाले से ये शेयर रजिस्ट्रार जो बीओपी का है, बीओपी ये कौन है, ये एक लिस्टेड कंपनी है और बीओपी के शेयर रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में जनाब ये एक्स का नाम नजर आ रहा है। ये एक और दूसरी लेयर है बच्चों जो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो लेयर ये लाइन की शक्ल में मैं शो कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऊपर वाली सीडीसी की लाइन है ये एक डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये एक अलहदा डेटाबेस है जिसमें कि ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि एक्स के नाम पर कौन कौन से शेयर्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो ये जो रिकॉर्ड है ये सिर्फ बीओपी बैंक ऑफ पंजाब जो कंपनी उसका रिकॉर्ड है, उसकी डेटाबेस है और वो डेटाबेस ही है वो कौन मेंटेन कर रहा है, ये शेयर रजिस्ट्रार ऑफ बीओपी मेंटेन कर रहा है और शेयर रजिस्ट्रार ऑफ बीओपी जो है उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इनके शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर का नाम एक्स भी है और इतने जो मैंने सर्कल हाईलाइट किया है कि इतने सर्कल के शेयर उनसे ना इनके रिकॉर्ड में एक्स के हैं। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? ये जो दो लेयर्स मैंने आपको बताई हैं बच्चों क्या ये दोनों लेयर्स आपको क्लियर हो गई? बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, मुझे सबका जवाब चाहिए। बताइए बच्चों ये जो मैं आपको यहां से अब आपको कहानी सुनाना शुरू की है शेयर रजिस्ट्रार को एक्सप्लेन और स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या यहां तक जो मैंने बात की है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये बच्चों टेक्निकल बात है जो मैंने आगे लेकर चलनी है और इसी बुनियाद के ऊपर फर्दर आगे मैंने आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है, लिहाजा मुझे सब बच्चों का जनाब ये फीडबैक चाहिए। मुझे सारे बच्चे बताएं कि जो भी मैंने बात बताना शुरू की है इस स्लाइड के ऊपर से क्या ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया जी, सब बच्चों के तो जवाब आ गया। अब आगे सुने, अब जनाब क्या होता है, एक्स जनाब अपने ये शेयर उनसे ना बेचना चाहता है, वो एक और डेटाबेस एक और नेटवर्क एक और सिस्टम में जाता है और उस सिस्टम का उस लेयर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जनाब एक ब्रोकर होगा जिसने के कंप्यूटर टर्मिनल लगाया होगा
और इस कंप्यूटर टर्मिनल से ये अपने क्लाइंट्स या जो भी इसके पास आते हैं कस्टमर, उनके शेयर्स के लिए इस सिस्टम, इस नेटवर्क के ऊपर इंफॉर्मेशन लगा देगा। एक्स जनाब ये ब्रोकर के पास आता है और बताता है, ये मेरा सीडीसी का नंबर है और जी मैं जनाब अपने बीओपी के शेयर जो है ना बेचना चाहता हूं। तो ब्रोकर क्या करेगा, एक मखसूस रेट के ऊपर या उस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है या उस मार्केट के रेट से थोड़ा हायर रेट के ऊपर, ये क्या करेगा, वो सिस्टम में कौन सी लाइन वाला सिस्टम है, कौन सी डेटाबेस, कौन सा वो नेटवर्क है जिसमें ये प्लेस करेगा, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होनी है, और वो है स्टॉक एक्सचेंज। ये वाले नेटवर्क, ये वाले डेटाबेस के ऊपर वो एक एंट्री डाल देगा कि जी जनाब एक्स जो है ये मेरे पास जनाब है और मैं जनाब, अब यहाँ पर नजर क्या आएगा, नजर आएगा कि ब्रोकर जो है ना ये वाले शेयर बेचना चाह रहा है, कौन से शेयर, ये बीओपी के शेयर। लो जी ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है जनाब, जिसमें बेशुमार जनाब इस तरह से ब्रोकर हजरात उनसे होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जी इस नेटवर्क में, इस ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये ब्रोकर की जो एंट्री होती है इसको कोई दूसरा ब्रोकर जो है ना पिक कर लेता है। इस दूसरे ब्रोकर के पास जो साहब है वो वाई है, साहब जो वाई हैं उनका अपना भी जनाब एक सीडीसी का अकाउंट है, और ये साहब वाई जिनका अपना सीडीसी अकाउंट है, ये जनाब ब्रोकर ढूंढता है जो ब्लू कलर वाला है, ये जनाब इसके बीओपी के शेयर ढूंढते हैं, उनको खरीदने में इंटरेस्ट शो करता है, और वो इंटरेस्ट जुनसा है वो ये भी शो करता है, दोनों के दरमियान जनाब सौदा हो जाता है, और सौदा हो जाने के बाद अब ये शेयर जुनसे हैं जो कि एक्स के सीडीसी के अकाउंट में थे, ये ब्लू रंग के शेयर ये यहां से गायब होकर ये वाई के अकाउंट में आ जाते हैं। ये कौन से लेयर में आ गए हैं, ये सीडीसी के लेयर में आ गए हैं। ये सौदा कौन सी जगह पर हुआ है, ये स्टॉक एक्सचेंज की लेयर में ये सौदा हुआ है, और इस सौदे की एंट्री अल्टीमेटली किसमें दर्ज हो गई, सीडीसी के अकाउंट में दर्ज हो गई। अब जनाब ये आपने बच्चों नोट किया, ये देखिए ये ब्लू यहां पर जो अंडा था एक्स का, क्योंकि इसने शेयर बेच दिए हैं ब्रोकर के जरिए से, ये शेयर जनाब सीडीसी के वाई के अकाउंट में ये इस तरह से ट्रांसफर हो गए। लो जी ये शेयर ढूंढते हैं, ये इस लेयर में सीडीसी के रिकॉर्ड में जो पहले एक्स के थे अब वो एक्स के नहीं रहे, अब वो शेयर वाई के हो गए, लेकिन ये एंट्री अभी सीडीसी के अकाउंट में, ये एंट्री अभी शेयर रजिस्ट्रार ऑफ बीओपी के अकाउंट में दर्ज नहीं हुई। सीडीसी के अकाउंट से रजिस्ट्रार में दर्ज होने के लिए जनाब ये शेयर रजिस्ट्रार जो है ये रेगुलरली सीडीसी से अपने जनाब डेटाबेस को रिकनसाइल करता रहेगा, और रिकनसाइल करने पर जब बीओपी का ये शेयर रजिस्ट्रार जब इसको पता चला कि ओहो अब एक्स जो है वो हमारे शेयर में से किसी शेयर का मालिक नहीं है, जो एक्स के शेयर थे वो उसने बेच दिए हैं, वो अब सीडीसी के रिकॉर्ड में वाई के पास हैं, तो वो अपना रिकंसाइल करते हुए रिकॉर्ड उसमें एक्स की जगह एंट्री जनाब वाई की डाल देगा। बच्चों ये हमने नोट किया कि जहां पर एक्स था वहां पर अब वाई हो गया है, ये आपने नोट कर लिया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये शेयर रजिस्ट्रार ये भी एक नेटवर्क डेटाबेस लेयर है जो के जनाब एक कंपनी जुन्सी है वो अपना अलहदा से मेंटेन करवा कर रखती है किसी आईटी कंपनी के पास, और इसमें जनाब जो एंट्री है उसको जनाब ये रिकनसाइल करके जनाब फ्रॉम हुम फ्रॉम वेयर इट इज रिकनसाइल्ड फ्रॉम दी लेयर दीज टू लेयर मेंशनड अबव, ये स्टॉक एक्सचेंज या जनाब सीडीसी से इसको अपने जनाब रिकॉर्ड को रिकनसाइल करते हुए अपने पास एंट्रियां मेंटेन करके रखते हैं इस चीज की, दैट हु इज द करंट ओनर
ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस लिस्टेड कंपनी, कि इस लिस्टेड कंपनी के शेयर्स का करंटली ओनर कौन है। ये बच्चों सारी जो ट्रांजैक्शन और इसमें शेयर रजिस्ट्रार का जो एक रोल था, क्या बच्चों ये आपको समझ आ गया? जी बच्चों, क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो आज का लेक्चर बच्चों मैं यही खत्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हम बच्चों कल जिन सारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से मुतल्लिक करेंगे, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला बच्चों मजीद और डिस्कशन इंशाल्लाह इसके बारे में कल करेंगे। आज के लिए कंपनी लॉ का पोर्शन इतना ही। मजीद इंशाल्लाह डिस्कशन के लिए कल तक के लिए मुझे बच्चों इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।